वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका एक बार फिर से मीनाक्षी अनस की दुनिया में स्वागत है। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ सुबह सुबह से। तो अभी हम उठ गए हैं और झाड़ू मैंने लगा दिया है और बाकी काम करूंगी सब बाद में। तो अभी आज है संडे, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। तो मैंने आलू अभी बॉइल करने डाले हैं, लेकिन आरुष को 8 बजे जाना है ट्यूशन, तो उसके लिए दूध और बिस्किट, क्योंकि आज हम सभी लेट ही उठे और वो तो अभी भी नहीं उठना चाह रहा था, लेकिन उठ ही गया कि जाना है मुझे। बाहर में तो बहुत बारिशें हो रही हैं, कपड़े भी वॉश करके उनको अंदर ही डालना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह शाम दोपहर पता ही नहीं चलता कि कब बारिश पड़ जा रही है। 15 मिनट में धूप और 15 मिनट में बारिश, ऐसा मौसम हो रखा है। और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। फिर से अपनी सारी तैयारी करती हूँ और बनाती हूँ परांठे। जब तक मेरे आलू ठंडे हुए हैं तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी परांठे। तो छिलका उतार लेती हूँ मैं फटाफट से आलूओं का, फिर हम बनाएंगे और मिर्ची लहसुन सब काट के डालूँगी और बनाएंगे फिर गर्मा गर्म आलू के परांठे बटर दूध के साथ खाएंगे। तो मैंने आलूओं को भी सॉस से अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें ही हरी मिर्च और लहसुन भी डाल दिया है और धनिया पत्ते अभी मेरे पास नहीं है, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। और आलू जो परांठे के लिए बॉईल करना है ना, तो उसको ऐसा बॉईल करें कि वो फटे ना, क्योंकि वो फटेगा ना तो उसमें पानी अंदर चला जाएगा और फिर हमारे परांठे अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए आलू फटना नहीं चाहिए। अब मैंने आलूओं को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चलते हैं किचन में और उसमें डालते हैं नमक, धनिया, सारे मसाले, नमक, धनिया पाउडर, जीरा, जो भी हमें डालना है, और फटाफट से अपने परांठे बनाते हैं। तो मैंने आलूओं में नमक, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर सब डाल दिया और थोड़ा सा आपको धनिया, सूखा धनिया था जो मैंने सुखा के रखा था वो भी डाल दिया, क्योंकि अभी मेरे पास हरी हरी धनिया पत्ती नहीं थी। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर बनाएंगे हम परांठे। मसाला मेरा अच्छे से बन गया है, अब मैं बनाती हूँ फटाफट से आलू के परांठे। बनाए रही हूँ और अनुज का ऑर्डर लगेगी, परांठे अच्छे से भरे हुए होने चाहिए ताकि खाने में मजा आए, काम आलू नहीं होने चाहिए। तो अभी मैं फटाफट से बनाती हूँ। बंद कर लेना है। अब मैं इसको इस तरह से जितना हाथ चल सकता है उतना चलाऊंगी। परांठे के लिए जो है हमें आटा ढीला ढीला ही रखना है ताकि जितना वो हाथ से फैल सके उतना फैल जाए। परांठा तवे में डाल दिया है, अब इसको अच्छे से सेक लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी घी, थोड़ा थोड़ा सेक दिया है। अब इसको दूसरी साइड मैंने पलट लिया है। परांठा अच्छे से सीख गया है। ये परांठा जैसे हम आम सभी सेकते हैं
अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये तो हमने पहले परांठा अच्छे से सेक लिया, फिर उसके ऊपर घी लगाया। और जो चांदनी चौक में हमें दिल्ली के चांदनी चौक के परांठे बहुत मशहूर है, तो वो पता कैसे बनाते हैं? वो परांठे के ऊपर घी नहीं या तेल नहीं लगाते, वो तेल में परांठा या घी चलाते हैं। तो उसके लिए वो पहले जो है तेल या घी तवे में अच्छे से डाल लेंगे। वो जो है वो इस तरह से पहले तवे में घी डालेंगे, फिर उसके ऊपर परांठा डालते हैं। तो दोनों को ही सेक के जो है उनका अलग अलग बन के रेडी होते हैं। तो मैंने भी परांठा डाल दिया है, चांदनी चौक का परांठा। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ अच्छे से। घी में है ना, तो ये बिल्कुल घी में फ्राई हो रहा है। और अब हम दूसरी साइड पर लेंगे, तो ये कुछ और जैसा तैयार हुआ। बहुत ज्यादा तेल लगता है, इतना ऑयल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी मैं सिंपल ही बनाऊंगी। तो हमारा परांठा बनके रेडी है। ये है चांदनी चौक का मशहूर परांठा जो मैंने तेल में डाला था, और ये सिंपल जैसे मैंने सेका। और आप देखो मैंने आलू भी इसमें बहुत अच्छे से भरे हुए हैं, पूरे में बहुत अच्छे से भर गए हैं। तो मैं अब सर्व करती हूँ। आप आज दूध के साथ खाओगे ना, चाय दूध बनाते हैं दूध के साथ, दूध बटर। हाँ ठीक है, तो लोग आप खावा थे और मैं अपने लिए लेके आई कि हाथ में खा लेते हैं। आप पहले ही खा लेते हैं, बहुत जल्दी खाया ये मेरा। मैंने भी अपने लिए लगा लिया है दूध बटर और परांठा, और साथ में आम का अचार जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। अचार के बिना तो मैं रोटी नहीं खा सकती। कैसे बने हैं परांठे? अचार की कलेक्शन आपको मिल जाएगी इनके पास बहुत। परांठे कैसे बने हैं ये बताओ? बढ़िया है, मस्त। दो अलग अलग वैरायटी। चांदनी चौक का मशहूर परांठा कैसा लगा? टेस्ट भी अलग अलग है ना, थोड़ा ज्यादा पका हुआ लगता है जैसे। तो वो बिल्कुल तेल में फ्राई है ना, तो वो तो एक तरह से फ्राई हो गया। ब्रेकफास्ट कर लिया है, आज को बनाऊंगी मैं जब वो ट्यूशन से आएगा। वो उसके दूध खा के ही चला गया था, और अभी मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।